हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनफाइनाइट लैडर ऑफ रेजिस्टेंस को। आपने बहुत सारे इस तरह के न्यूमेरिकल्स देखे होंगे जिसमें एक चेन बनी होती है, एक यूनिट सेल होता है, वो लगातार बढ़ता जाता है आगे तक और इनफाइनाइटली वो इंक्रीज होता जाता है। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, तो वो आज सब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, किस तरह से ईजिली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ और लेक्चर को स्टार्ट करें। उसके पहले यदि आपने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो, इनफाइनाइट लैडर रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये इस तरह से इनफाइनाइट तक ये जा रही है, यानी कि एक चेन बन रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2, फिर R1, फिर R2। जरूरी नहीं कि ये इसी कॉम्बिनेशन में हो सकता है ये सिर्फ R2 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 चलता रहे, यानी कि जो भी चेन बनेगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लैडर रेजिस्टेंस। तो इनफाइनाइट लैडर रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो यूनिट चेन है यानी कि जो यूनिट सेल है उसको फाइंड आउट करना होता है। यूनिट सेल का मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न लगातार फॉलो हो रहा है, हमें उसको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो सेल है वो यूनिट सेल है। ये सेल यूनिट सेल कैसा है वो देखो। मान लो यहाँ पर ये R1 रेजिस्टेंस लगा है और ये R2 है, ठीक है, R1 और ये R2, और इसी तरह से इसके बाद ये फिर R1 R2 फिर R1 R2 फिर R1 R2, ये लगातार क्या करते चले गए, जुड़ते चले गए, है ना। तो ये जो सेल होगा, ये जो है, ये क्या सेल हो गई, ये यूनिट सेल हो गई। ये कौन सी सेल हो गई, यूनिट सेल। अच्छा, अब जब इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये जो चीज़ है ये इनफाइनाइटली जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को मैं जोड़ रहा हूँ तो उनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट ही आएगा वो भी। और मान लो उसमें से मैं इस यूनिट सेल को हटा दूँ, ये यूनिट सेल को मैंने हटा दिया और बाकी जो चीज़ें बची हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं काउंट करना चालू करूँ तो ये R1, ये R2, ठीक है, फिर ये R1, फिर ये R2, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं ऐसे, R2, ये R1 और ये, और फिर ये वापस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि वही पैटर्न वापस से क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो इसका भी अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो कितना निकलेगा, R इक्विवेलेंट ही निकलेगा, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से हो गया, मान लो आपने किसी समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो बचा क्या, समुद्र, और समुद्र में वापस वो पानी डाल दिया तो फिर भी क्या बचा, समुद्र बचा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस यूनिट सेल को तो हमने अलग कर लिया और ये जो इसके पीछे की जो पूरी की पूरी चेन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना होगा, आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो उसके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को है यहाँ पर हमने कैसे करके लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने आर इक्विवेलेंट करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान बन गया। आसान कैसे बन गया, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस आर टू और आर इक्विवेलेंट किस में हो गए, पैरेलल में, और ये पैरेलल में हो गए, ये आर वन के किस में हो गए, सीरीज में, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आर वन इज सीरीज विद आर टू और आर टू पैरेलल है किसके, आर इक्विवेलेंट के, ठीक है। और ये सारा कॉम्बिनेशन किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर वन प्लस ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो R2 इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस आर इक्विवेलेंट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये यहाँ पर एलसीएम लो तो ये कितना बनेगा, R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 R इक्विवेलेंट और अपॉन कितना, R2 प्लस आर इक्विवेलेंट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, R2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 R इक्विवेलेंट, ये बनेगा। तो R2 R इक्विवेलेंट यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो बचा है उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करोगे तो मैं नया पेज ले लेता हूँ एक पहले, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी,
यहाँ है आर वन स्क्वायर, आर इक्वेलेंट स्क्वायर माइनस आर वन आर टू माइनस ये बन जाएगा ना, तो इक्वेशन बन जाएगी आर इक्वेलेंट स्क्वायर माइनस आर वन आर इक्वेलेंट माइनस आर वन आर टू इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बन गई ना, यही है ठीक है। अब क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला, तो यूज धराचार्य फार्मूला, धराचार्य फार्मूला, तो धराचार्य फार्मूला आप यूज़ करोगे तो क्या बनेगा, देखो बनाओ, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहाँ b किसका फैक्टर होता है, ये इक्वेशन होती है ना, बेसिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो जो b है वो मल्टीपल होता है x का, ए जो है मल्टीपल होता है एक्स स्क्वायर का, और सी जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन है। फिर उसके बाद ये जो एक्स है, एक्स का मल्टीपल यानी कि आर इक्विवेलेंट का मल्टीपल कितना हो गया, आर वन, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आर वन, और सी की वैल्यू कितनी हो गई है, माइनस आर वन आर टू। ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर वन प्लस माइनस आर वन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए सी आर वन आर टू अपॉन टू ए अपॉन टू बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी माइनस में होगा नहीं इसलिए माइनस साइन को हटा देंगे, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वन प्लस आर वन स्क्वायर प्लस फोर आर वन आर टू ओवर टू, ये वैल्यू हो गई किसकी, आर इक्विवेलेंट की। अब लेट सपोज कि इस क्वेश्चन में आपको दिया होता कि आर वन और आर टू दोनों क्या है, इक्वल है ठीक है, इफ आर वन इक्वल्स टू आर टू, आर वन इक्वल्स टू आर टू होता तो क्या होता, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पर भी आप इक्वल्स टू आर लिख लो इसको, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर अपॉन टू, तो फोर आर और प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, फाइव आर स्क्वायर, तो फाइव आर स्क्वायर और आर बाहर चला गया, तो ये बन गया आर वन प्लस रूट फाइव और डिवाइड बाय टू, ये फाइनल इसका आंसर आ जाता यदि आर वन इक्वल्स टू क्या होता, आर टू होता ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट लैडर सीरीज वाले को। अब इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट हैज़ टू रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू, ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ टू रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू, ये आर टू है ये वाला, ये जो है R1 एंड R2, R2। द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन ईच सब्सक्वेंट एलिमेंट डिफर बाय अ फैक्टर K इक्वल्स टू 1 बाय 2 एंड फ्रॉम द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स इन द प्रीवियस एलिमेंट, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B शोन इन द फिगर। तो ये हर एलिमेंट में जो सब्सक्वेंट एलिमेंट का मतलब जो आगे वाली जो चेन बन रही है उसमें वो K से बढ़ता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है ना, डिफर करता जा रहा है, K की वैल्यू दी है 1 बाय 2। तो यदि हम कहें कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आएगा कितना x, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा, x आएगा यदि हम ये कह देते हैं। तो देखो अब इसमें यहाँ पर हमें बोला है कि हर सब्सक्वेंट एलिमेंट k से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर k से डिफर किया, फिर यहाँ से k स्क्वायर, फिर यहाँ पर k की पावर 4, यानी कि उसी के मल्टीपल में वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे कर देंगे, यहाँ पर लिख दूंगा मैं ये R2 है ना, जो R लिखे हुए हैं ये R2 है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने R1, तो एक तो बन गया मेरा ये प्लस, फिर यहाँ से जो बनेगी मेरी चेन, यहाँ से कैसे बनेगी, ये इस तरह से बनेगी, ये R2, ये KR1, फिर ये आगे चला, फिर ये हो गया के स्क्वायर R1 और ये हो गया R2, और इस तरह से ये चलती जाएगी। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आया था, x आया था पूरे का, और हमने पहले बात की थी कि जो समुद्र वाली हमने बात की थी कि जो इनफाइनाइट है, तो ये अगर सेल अलग करूँ तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा। पर जैसा कि हमें पता है कि आगे वाली जितनी भी एलिमेंट है उनका जो
सब्सक्वेंट एलिमेंट है वो डिफर कर रहा है के से, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी डिफर करेगा किससे, के से। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरे का, उसको हम क्या लिख देंगे, के एक्स लिख देंगे। कितना लिख देंगे, के एक्स लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे जितना भी है वो सब किससे बढ़ रहा है, के से बढ़ रहा है। और यहाँ ओवरऑल कितना आ चुका है, एक्स आ चुका है। तो अब हम क्या लिख देंगे इसको, हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर। ठीक है, पहले मैं एक बार सर्किट बना देता हूँ किस तरह से बनेगा। तो सर्किट जो अब आप बनेगा, अब वो कुछ ऐसे बनाएंगे हम, तो ये हो गया R2, ये हो गया R1, और इसको हमने बढ़ा दिया kx से, और ये हो गया x। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, और ये इनके किस में आ गया, सीरीज में आ गया। यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, R1 प्लस ये दोनों किस में, पैरेलल में और इसके सीरीज में। तो R2 इंटू kx अपॉन R2 प्लस kx, ठीक है। वही LCM लो, तो LCM लोगे तो कितना आएगा, LCM R2 प्लस के एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R1 R2 प्लस R1 इंटू के एक्स, और प्लस यहाँ पर कितना रह जाएगा, R2 प्लस के एक्स, और यहाँ पर कितना x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कितना बनेगा, x R2 प्लस के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल्स टू R1 R2 प्लस R1 के एक्स, और प्लस आर टू, प्लस आर टू इंटू ए है ना, इंटू इंटू के एक्स, ये बनेगा हमारे पास टर्म जो बन के आएगा, ये बन के आएगा, ठीक है। अब के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, तो गिवन है, गिवन के इक्वल्स टू 1/2, तो के की वैल्यू को 1/2 पुट कर दो यहाँ पर, तो के की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स आर टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू आर वन आर टू प्लस, यहाँ पर टू रखोगे तो कितना होएगा, 1/2 आर वन एक्स, और यहाँ पर कितना होएगा, 1/2 आर टू एक्स, ये बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा का सारा टू से, तो ये कितना बन जाएगा, 2 आर टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन आर टू प्लस आर वन एक्स प्लस आर टू एक्स, ये बनेगा। अब एक्स स्क्वायर वाले और एक्स वाले सब एक साथ ले जाओ, तो देखो यहाँ से लेके जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर ये जाएगा उधर, तो प्लस आर वन, ये आर वन एक्स, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का आर वन एक्स होगा क्योंकि उधर लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ टू आर टू एक्स है, ये इधर से जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो प्लस आर टू एक्स रह जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस आर वन आर टू इक्वल्स टू जीरो। फर्दर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, आर वन माइनस आर टू इंटू एक्स और माइनस आर वन आर टू। अब लगा दो धराचार्य फार्मूला, तो धराचार्य फार्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, आर वन माइनस आर टू प्लस माइनस, माइनस बाद में हटा देंगे हम, आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर आर वन आर टू अपॉन टू। ये माइनस साइन यहाँ से हटा दोगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेटर में करना क्या है आपको, इनफाइनाइट लेटर में सबसे पहले आपको यूनिट सेल को पकड़ना है, यूनिट सेल को पकड़ने के बाद जो बाकी की बची हुई जितनी भी ब्रांचेज है उसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर लिख दोगे। फिर क्या होगा, दो ब्रांचेज किस में आ जाएंगी, पैरेलल में, और एक सीरीज में आ जाएगी उनके, तो उनका जो पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो आप लगाओगे, और उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल क्वेश्चन को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।